इतनी तारीफ कर दी कि बोलना वैसे ही मुश्किल हो गया। एक इजाफा कर दूं कि हिंद पाक में मैं अकेला उर्दू का सहाफ़ी हूं जिसको प्राइम मिनिस्टर ने सिफारत के लिए, एम्बेसडरशिप के लिए डेजिग्नेट किया। अभी तक यह नाम मेरा अकेला ही है। दुआ करता हूँ कभी ऐसा वक्त आए कुछ और लोगों को, जो आज हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी को ये मौका मिले कि वो दूसरे मुल्क में जाकर उर्दू के हवाले से एम्बेसडर बन करके मुल्क की नुमाइंदगी करें। शाहिद साहब ने बहुत मुख्तसर तकरीर की, जो उनकी आदत नहीं है। जाहिर है कि उनकी इस मुख्तसर तकरीर के बाद मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं ज़्यादा बोलूं। वैसे भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जिस दबिस्तान का ज़िक्र किया शाहिद सिद्दीकी साहब और उनका पूरा ख़ानदान उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता रहा, कम से कम मैं समझता हूं 80-90 साल की उनकी खिदमात हैं पूरे ख़ानदान की। और नई दुनिया वो अखबार है जिससे दो पार्लियामेंट के मेंबर हुए, एक शाहिद सिद्दीकी एडिटर और वे एक मीम अफजल जो वहाँ काम करते थे, वो भी सहाफ़ी के तौर पर काम करते थे। तो ये क्रेडिट भी एक तरह से नई दुनिया को जाता है। शाहिद साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। अभी हम बैठे हुए थे इस्लामिक सेंटर में तो हिसाब लगा रहे थे कि कितने साल पुरानी दोस्ती है, तो तकरीबन 60 साल का अर्ज़ा है। तो शाहिद ने कहा कि हम लंगोटिया यार हैं, हमने सहाफ़त एक साथ की, तालीम एक क्लास के अंदर बैठ कर के हासिल की, एक साथ पढ़े, एक ही सब्जेक्ट में रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन साथ किया, उसके बाद सहाफ़त में आया तो मैंने अपना सहाफ़ती कैरियर नई दुनिया से ही शुरू किया। और फिर मुझे मौका मिला तो आगे की बड़ी लंबी कहानी है। मुझे नहीं मालूम कि अख्तरुल वासी साहब ने क्या तकरीर की, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि उनकी तकरीर के बाद किसी की तकरीर जो है कामयाब नहीं होती, इनके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती। लेकिन चूंकि मैंने सुनी नहीं है, अंदाज़ा लगाया है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ज़बानों को ज़िंदा रखने में सरकार का भी हाथ होता है और उसके बोलने वालों का भी हाथ होता है। लेकिन आजकल किसी ज़बान को, ख़ासतौर पर उर्दू को मारने में सरकारों का बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपको सुना होगा आपने कि राजस्थान की उर्दू अकेडमी में ताला डाल दिया गया है, वहाँ कोई अपॉइंटमेंट बरसों से नहीं हुए, जो आखिरी उनका एम्प्लॉई रिटायर हुआ उसके साथ ही वहाँ तालाबंदी कर दी गई। तो माहौल बड़ा ख़राब है। उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन मैं पहले रहा, बहुत साल पहले दिल्ली में, उसके बाद अख्तरुल वासे कई साल के बाद। जब मैं था तो उसका बजट था तकरीबन 2 करोड़ के करीब। जब अख्तरुल वासे साहब आए, मैं उस ज़माने में एम्बेसडर बन के चला गया था, बाद में वापस जब आया तो मैंने पूछा कि आपके दौर में बजट कितना हो गया, तो उन्होंने फरमाया कि 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मैं उर्दू वालों से उस वक्त ये शिकायत करता था कि आप कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। मैं सिर्फ एक उर्दू अकेडमी की मिसाल देता हूँ, सरकार सिर्फ पैसे दे सकती है, जो ज़बान के लोग वहाँ काम करने वाले होते हैं वो उसका काम होता है उनको आगे बढ़ाना। तो हमारी जो ज़िम्मेदारी थी हमने शायद उसको पूरा नहीं किया। लेकिन मैं दिल्ली वालों से एक बात कहता था कि सरकार ने 2 करोड़ रुपया दिया है, आप जितने उर्दू वाले मिलकर 1 करोड़ रुपया उर्दू पर खर्च कर दें तो मैं समझूंगा कि हाँ, सरकार पर हम लान तान करने का हक रखते हैं। हम खुद कुछ नहीं करते, शिकायत हम ज़्यादा करते हैं। आज एक इत्तेफाक अजीब मौका है कि इस्लामिक सेंटर का इलेक्शन हुआ और पिछले 3 दिन से उसकी काउंटिंग चल रही है, और सलमान साहब को आज एक बड़ी जिम्मेदारी तकरीबन मिल चुकी है। 10-15 मिनट, आधे घंटे में उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसको सलमान साहब ने अपने गले में डाला है। आज
लोग इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाला वक्त कितना सख्त है, क्योंकि अब इनकी जो शख्सियत है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि जो कौम इस वक्त क़यादत के फ़िक़दान में मुब्तला है और ये महसूस करती है कि उनके अंदर कोई क़ायद नहीं है, अचानक उसकी पूरी तवज्जो जो है इस्लामिक सेंटर जो है उसकी क़यादत की तरफ चला गया। तो इसलिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो पहना दी गई है और उसके हिसाब के लिए काम करने से पहले हिसाब मानने वालों की भी लाइन एक तैयार होगी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारा जो मिजाज है उसने भी बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक ज़बान को खुद ज़बान के बोलने वाले प्रोटेक्शन ना दें, जब तक उसका इस्तेमाल ना करें, जब तक उसको बचा के ना रखें, तो कोई सरकार सब ज़बानों को नहीं बचा सकती। मैं इन अल्फाज के साथ आज जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बावजूद के नई टेक्नोलॉजी के जो ये लोग हैं ये काम अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। मैं ऑल इंडिया उर्दू एडिटर्स कॉन्फ्रेंस का सदर बरसों रहा हूँ और वो हिंदुस्तान में उर्दू अखबारों की वाहिद तंजीम है, उससे पहले ना उसके बाद कोई तंजीम वजूद में आई नहीं, अगर आई भी तो वो 6 महीने काम करने के बाद बंद हो गई। वो एक तंजीम थी जो काम करती थी और उसने बहुत कुछ किया इस अखबारात के लिए भी, लेकिन अब उसका मौका ही नहीं है। जिन लोगों के पास जाकर हम उर्दू अखबारों के लिए हिस्सा मांगने की बात करते थे, अब उन्होंने दरवाज़े बिल्कुल बंद कर दिए हैं और उर्दू सहाफ़त के लिए किसी दरवाज़े पर कुछ नहीं है देने के लिए। आपको शायद नहीं पता होगा कि जो प्रिंट मीडिया उर्दू का है उनके अखबारात के इश्तहारात तमाम बंद किए जा चुके हैं, उनको कोई इश्तहार नहीं मिलता। एक ज़माने में ये तादाद जो थी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी के अखबारों को DAVP से 5,82,00,000 रुपया मिलता था। ये 1992 में जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था तो मैंने एक सवाल के ज़रिए ये जवाब निकलवाए थे। दूसरे नंबर पर हिंदी थी जो कौमी ज़बान थी, उसको 4.25 करोड़ रुपये के इश्तहारात मिलते थे और उसके बाद उर्दू का 5वां नंबर था जिसको तकरीबन 55 लाख रुपए के इश्तहार मिलते थे। और आज उस ज़माने में फिर हमने ये सवाल उठाया था कि ये जो हमारी हिंदुस्तान की 18 ज़बानें हैं उनके अंदर कौन कौन से अखबारात निकलते हैं, कितने निकलते हैं, उसकी सारी तफसीलात हैं, इस वक्त उसका मौका नहीं है। लेकिन बंद यहाँ पर जाकर टूटा कि हिंदुस्तान में जो सब ज़बानों की माँ है, जिसमें इस मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी का इतिहास, उनका रिलीजन जिस ज़बान में महफूज है यानी संस्कृत ज़बान, उस संस्कृत ज़बान में भी 9 पर्चे निकलते थे और उन 9 पर्चों को 803 रुपए का इश्तहार एक साल में दिया गया था। तो जिन लोगों ने अंग्रेज़ी के मुकाबले में उर्दू को, पंजाबी को, तेलुगू को और तमाम दूसरी ज़बानों को नहीं छोड़ा, आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो उर्दू के लिए कुछ करेंगे? जिन्होंने अपनी माँ को यानी संस्कृत ज़बान को, जो इस देश के अंदर सब ज़बानों की एक तरह से माँ है, उसको नहीं छोड़ा, उसको ख़त्म करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। मुझे नहीं मालूम शायद आज कोई एक भी पर्चा या 2 पर्चे या 4 पर्चे संस्कृत में निकलते होंगे, पीरियोडिकल्स, चाहे वो मंथली हों, चाहे वो छमाही हों, चाहे वो 6 माही हों, चाहे वो एक साल में एक बार निकलते हों, ऐसे मेरी नॉलेज में कम से कम आप नहीं हैं। हो सकता है हमारी जो नई नस्ल पै रही है इस पर कुछ काम करे तो उसको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनको अवार्ड मिल रहा है उनके लिए मुबारकबाद और ख़ास तौर पर मुबारकबाद इन लोगों को जिनकी तरफ से ये है उर्दू जर्नलिज़म के लिए जो आपने अवार्ड रखे हैं 40 अंडर 40, ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि अब ऐसी आवाज़ें और इस किस्म के प्रोग्राम बंद हो चुके हैं, उर्दू के लिए ज़्यादा जगह दिखाई नहीं देती। और अभी हमारे डॉक्टर साहब इस सिलसिले में काफ़ी कुछ बोल कर गए हैं, उतनी तलखे बातें मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त मौका नहीं है, चूँकि सलमान साहब को अभी फ़ौरन वहाँ जाना है और हमें उनको भी सुनना है। मैंने अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।